मेरी ननद ने उतना बुरा नहीं किया था जितना इनके बेटे ने किया है। अरे नैतिकता के अलमारी में बंद कर दी और ताला लगा दिया उसमें। और वैसे क्यों ना हो, कमाऊ पूत है, घर का खर्च चलाता है, उसके सामने बोलने की हिम्मत थोड़ी है इनकी। लालच ने इनका मुंह बंद कर दिया। कैसे बुरा बिटिया, कौन है आप और हमारा नाम कैसे जानती है? माँ को अपने सब बच्चा का नाम, उनका दुख तकलीफ सब पता होता है। हमको अपने सास ससुर और पति से पूछना तो पड़ेगा ना। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा अगर किसी को भी तुमने इस बारे में बताया तो। और याद रखो, मौका गवाया तो जिंदगी भर औलाद के लिए तड़पती रहोगी। चमुंडा बच्चे अद्भुत सुंदर, तेरी यही सुंदरता तेरी समस्या का कारण है। मतलब हमको समझे नहीं? बहुत भोली है तू रमा, जिस दिन तोहरा शादी हुआ था यही सब कुछ पहनी थी ना, तेरा यही सुंदरता देखकर कोई तुझ पे नजर लगा दिया था और जिसका कारण तू माँ नहीं बन सकी। हमको इसीलिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा। ठीक है, चूंकि उस वक्त कमरे में सिर्फ आपका बहू और बेटा था इसलिए हमें आपकी बहू को पूछताछ के लिए थाने ले जाना पड़ेगा। मैडम यह है राहुल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत गला घुटने से ही हुआ है और शरीर का किसी हिस्से में कोई चोट का निशान भी नहीं है। इसका मतलब हत्यारे के और राहुल के बीच में कोई खींचतान नहीं हुई। दिन तक हम अपनी भावनाओं पे काबू रखे और फिर मिलना शुरू किए। अच्छा, इसलिए विधवा होते हुए भी अपने माँ बाप के घर न जाकर तू यहाँ रुकी रही हाँ, ताकि अपने आशिक के साथ यहाँ रंगरंगिया मना सके। तुम्हारी जैसी लड़की ना पूरा औरत जात का नाम खराब करती है। चार तो जल्दी जल्दी बोलो, सारा दिन हम दो टू का टेबल लेकर नहीं बैठे रह सकते। फास्ट, दो त्रिया छः, दो चौके आठ, जल्दी जल्दी बोलो। पढ़ाते हुए काफी समय हो गया तो थोड़े समय के लिए पढ़ाई रोककर कृपया जलपान कर लीजिए। कोकिला बहन, टीचर आप हैं या मैं? तो ये मैं तय करूंगी कि पढ़ाई के बीच में मुझे ब्रेक लेना है या नहीं लेना है। और हाँ, आप हमारी चिंता ना करें और पढ़ाई के बीच में हमें डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, ठीक है? क्षमा चाहती हूँ मैडम। ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है ना हमको कछु पता नहीं, और एक से एक रिश्तों लेकर आए और इतने सारे रिश्ते नाकार दिए। अरे पर तुम तो अपना कोई रिश्तेदार भी लेके आई थी, उसका क्या हुआ? अरे उसको भी भगा दिया 3 महीना पहले, याद है चतुर्वेदी के लड़के का रिश्ता नरेश का? अरे अपना बंगला गाड़ी इतना अच्छा रिश्ता मिलता है का? अरे नरेश की दो छोटी बच्चिन को पालना ही तो था, पर जिंदगी तो देवयानी की सुधर जाती। अरे आंटी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस भगवान की कृपा है। ठीक है आप बैठिए, मैं आती हूँ। अरे निर्मला, अनुष्का भी बड़ी हो गई है, अरे इसके लिए तो कोई भी लड़का हाँ कर देगा। अरे बड़ी की शादी होगी तभी तो छोटी की शादी होगी ना। निर्मला तुम समझी नहीं, अरे जब छोटी के रिश्ते की बात चलेगी ना तो झक मार के देवयानी को किसी भी रिश्ते के लिए हाँ बोलना पड़ेगा। अरे तूने तो बड़ी गजब की बात बोली है, हे बाके बिहारी तेरे सुन ली हमारी। अरे सुसमरी, और इन दोनों का तो रिश्ता करा देगी ना तो तेरे मुंह में ना हम घी सफर से भर देंगे। हाँ। ए, हमें डायबिटीज है, हटो। भूलन का मतलब जेद है ना, तू जो मांगेगी हम वही देंगे। हाँ पक्का भूलोगी तो नहीं ना? अरे निर्मला की जुबान है। अरे बात बताओ कि लड़कियां बड़ी छुटकी के लिए तैयार कैसे हूँ? ये नहीं बोलेंगे कि बड़ी वाली घर में बैठी हो छोटी वाली की? वो सब तुम हम पर छोड़ दो, तुम तो बस दिन गिनने शुरू कर दो। अच्छा एक बात बता, अनुष्का की कोई फोटो है तेरे पास? भाई ना बेटा फरमा, डरो मत, बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है, जानते हो तुम लोग ये सब? बलात्कारी हत्यारे को छोड़ रहे हो और हम पर जुल्म कर रहे हो? ये पुलिस, ये सरकार सब मिली हुई।